वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले जो दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सेट 1 का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 6 to 10 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कर दिया है विथ क्वेश्चन आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रीवियस टू वीडियोज को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, लेकिन स्टार्ट होगा 11 से। सेक्शन बी आप देख पा रहे हो, ये राइटिंग सेक्शन जिसमें टोटल मार्क्स 8 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। एक कंपोजिशन है, ठीक है, एक मतलब कहिए शॉर्ट राइटिंग है जो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑल्सो डैश, अब यहाँ खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भरना है नंबर 11 का ऑप्शन, देखिए ऑल्सो नोन एज होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा नोन। झारक्राफ्ट यानी इसी को झारक्राफ्ट भी कहते हैं, यानी झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को शॉर्ट में झारक्राफ्ट कहा जाता है। तो यह है क्या चीज, इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यह झारखंड सरकार की एक एजेंसी है, ठीक है। 12 नंबर में देखिए फिर आपको भरने के लिए दिया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश्ड होगा यहाँ पर, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में विथ द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर्स वेबर्स एंड आर्टिजन्स ऑफ झारखंड। किस लिए स्थापना हुई थी, कि इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, डेवलप करना क्या चीज और सपोर्ट करना, समर्थन देना किसको, तो सेरिकल्चर फार्मर्स, ठीक है। सेरिकल्चर कहते हैं जो रेशम कीट पालन किया जाता है उसको सेरिकल्चर कहते हैं। तो रेशम कीट पालक जो किसान हैं उनको डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, जो हमारे वीवर्स हैं जो बुनकर भाई हैं उनकी मदद करना, और जो आर्टिजन्स हैं जो कारीगर लोग हैं जो कपड़ा बनाने जानते हैं, कोई डाइंग करते हैं या और तरह तरह के जो उनके पास, जैसे कोई डलिया बिनता है बांस का जो तरह तरह का फर्नीचर बनाता है, तो ये सब लोग आर्टिजन्स में आ गए। तो इस उद्देश्य से चलिए अब हम लोगों को आगे देखना है क्या भरना है। वर्कशीट्स विद इन द झारक्राफ्ट विलेजेज, तो वर्कशीट्स के बाद देखो 13 नंबर का ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। वर्क शेड्स, बहुत सारे शेड्स हैं तो हैव बीन बिल्ट, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। वर्क शेड्स बनाए गए हैं, कार्य स्थल जहाँ पर कार्य किया जा सकता है बैठ करके, रह करके, जो भी कहिए। विद इन द झारखंड विलेजेज विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर द आर्टिजन्स एंड वेबर्स टू वर्क एट द डैश प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस। यह क्यों बनाया गया है सेट्स, कहता है यह बनाया गया है कहाँ, झारखंड के जो गांव हैं उसी के अंदर, ठीक है, विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, और उसमें ज़रूरत की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं आर्टिजन्स और वेवर्स के लिए। टू वर्क एट द डैश, ताकि वह काम कर सके, कहाँ डैश लिखा है, एट द लिखा हुआ था ना, एट द,
एट द मोस्ट नियरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, द लिख दिया तो सुपरलेटिव डिग्री देंगे, ठीक है। मोस्ट नियरेस्ट प्लेस, जो उसके गांव का सबसे निकटतम यानी निकटतम स्थान पर रह करके, अपने घर से निकटतम दूरी पर रहकर वह जो है काम कर सके। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक छोटा सा कंपोजिशन और है, लेटर है ये, इसको भी कंप्लीट करना है। देखिए क्या कह रहा है, ऊपर में ये आपका मॉडल टाउन रांची वगैरह वगैरह ये लिखा हुआ है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये फॉर्मल लेटर कह के इनको एड्रेस किया, जो कि गलत है। एक्चुअली यह इनफॉर्मल लेटर है, नॉट फॉर्मल, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर इसको आप नहीं कहना, ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है ना, इनफॉर्मल। तो इसमें देखो क्या है, आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन। तो फर्स्ट पोजिशन आने के बाद तो भाई खुश होना चाहिए ना। अब देखो कितना यहाँ पर यह भी एक शब्द जो है अच्छा नहीं लगता, यहाँ भेरी होना चाहिए था। खैर हमें उससे लेना देना कुछ नहीं है, हमें भरना है, लेकिन आप जब कभी लेटर लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखना, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड, ग्लैड यहाँ पर होगा ही, ठीक है, ग्लैड यहाँ पर है, ठीक है। सरप्राइज्ड नहीं देना है आपको, आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न, यानी बहुत खुशी हुई जान करके कि तुमने क्या किया है, यू हैव सिक्योर्ड, यहाँ पर हैव हो जाएगा 16 नंबर में, देख लो यहाँ पर हैव डाल देना है। फर्स्ट पोजिशन सिक्योर किया है क्लास 10 के एग्जाम में। प्लीज डैश माई हर्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। तो कहता है एक्सेप्ट करो भाई मेरे दिल से जो मैं बधाई दे रहा हूँ आपको। तो 17 नंबर में देखिए, प्लीज डैश माई हर्टिएस्ट एक्सेप्ट, ठीक है, तो ए नंबर में एक्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला आपको भर देना है। और 18 नंबर में कह रहा है, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश अस, विल के बाद डैश अस फील प्राउड। तो देखो विल आ गया तो वी वन ही हम तलाशेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, तो देखो यहाँ पर विल आ गया है तो मेक। तो डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक का आंसर एक्सप्लेन किया, आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि कहाँ पर क्या होगा। कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं टाइपिंग में, या ह्यूमन एरर भी आप कह सकते हो, तो उनको हमने दुरुस्त किया। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर, तब तक आप देखते रहे योर एकेडमी मुनिलाल सर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।